नमस्कार अर्गस अपडेट सहित तो अपूर्व बुलेटिन आरंभ करिबा हेडलाइन सह नयगढ़ पुणी सामना को आसला समाज घृणीय चित्र कंगारू कोर्टर कठोर निष्पत्ति रे जीवन हारिले युवक मृत युवक रणपुर थाना खतिया ग्रामर सुनंद बेहरा रणपुर थाना रे लिखित अभियोग कले मृत सुनंद बेहरां पत्नी ओकाक मुख्यों व्हाट्सएप नंबर हैक 7 लाख टंका लुटिनेले हैकर ओकाक सीईओ तथा ई एंड आईटी विभाग अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार पटनायक स्वीकार व्हाट्सएप नंबर हैक करी संपर्कियों को टंका मागिले हैकर राजधानी रे ग्रोसरी दुकान रु खेलना बंदूक देखाई लूट घटना डाक्तरखाना रु डिस्चार्ज परे अभियुक्त को अटक रखी पुलिस रो पचराउचरा लूट रे व्यवहृत होइतबा गाड़ी खेलना बंदूक छुरी जबत आहत अवस्था रे डाक्तरखाना रे भर्ती होइतला अभियुक्त वंक परे झियो हाथ रे मारणास्त्र धरी तैयारी करुछंती धमकपूर्ण वीडियो इंस्टाग्राम रे करिछंती पोस्ट कटक रे वीडियो भाइरल बाघ छाल बिक्री उद्यम पंड देवगढ़ ब्राह्मणीपाली ठारे डील चलता बेले वन विभाग चढ़ाऊ दुई अभियुक्त को गिरफ सहित बाघ छाल जबत अधिक तदंत जारी न्याय पाई लड़े जारी बरगढ़ गोविंद कुंभार एवं ममिता मेहर को न्याय दाबी प्रतिवाद को ओल्लैब बीजेपी आज बरगढ़ एसपी अफिस् घेराव कर युव मोर्चा भद्रक रे दुर्वृत्तक आतंक राज आरडी छक गुली करी मेडिसिन दुकान रु लूट टंका सह तीनोटी मोबाइल लुटिनेले लुटेरा अंचल रे भयर वातावरण पुलिस को चैलेंज दे अपराध घटाई चलिछंती अपराधी देखवा संपूर्ण खबर संविधान रो आईन नुह दुर्वृत्त कले आईन रो खुला उल्लंघन केउठी अछि आईन रो रक्षक पुलिस नयगढ़ पुणी सामना को आसला कंगारू कोर्टर घृणीय चित्र कंगारू कोर्टर कठोर निष्पत्ति रे जीवन हारिले युवक नयगढ़ जिला रणपुर थाना खतिया गाँव रु आसी संगीन अभियोग अभियोग अनुसार खतिया ग्रामर सुनंद बेहरा नामक जड़े युवक गाँवर जड़े रोगी को नहीं दर्प नारायणपुर मेडिकल को जाते मात्र सेठे डाक्तर न मेडिकल ले पाटितुंड करिबा सह डाक्तर को फोन जोगे मेडिकल रो अव्यवस्था नहीं जणाइथिले तबे घटना को नहीं संपुक्त डाक्तर जनक गाँव कंगारू कोर्ट रे अभियोग करिबा परे सुनंद को 10,000 टंका जरिमाना सांग को सर्वसाधारण डाक्तर गोड़ धरी भूल मागिबा को कुआ जैथिला जहाकु नहीं सुनंद कंगारू कोर्ट रे 8,500 टंका फाइन देइथिबा बेले डाक्तर को भूल मागिथिले मात्र सर्वसम्मुखे डाक्तर पाद धरी पुणी थे भूल मागिबाकु कुहाजिबारु एहाकु सह्य न करिपारि सुनंद आत्महत्या करथवा सूचना मिलछे जहाकु ने सुनंद पत्नी रणपुर थाना रे लिखित अभियोग करछन्ते मो स्वामी कोन हेले मते न्याय दिवंतु मो बुआ झियो को किए गोटे बापा दबो मते किए न्याय दबो मो विरोध कौन कले मो स्वामी को सभा को नहीं कि मुंडिया जर मारिक मो स्वामी को मारिदे सही न पारिक मो स्वामी सुसाइड कले केवल पुओ नुहे बरम झियो माने मध्य हाथ में मारणास्त्र धरी तैयारी करुछंती धमकपूर्ण वीडियो आउ शेयर करुछंती सोशल मीडिया रे हाथ में बंदूक धरी तैयारी करिछंती रील वीडियो आउ जहाँ अपलोड करिछंती निज इंस्टाग्राम रे तबे किछि दिन होलानी राजधानी भुवनेश्वर रे केबीएन ग्रुप एपरि वीडियो तैयारी करी आतंक खेलैतबा बेले एबे कटक रे मध्य किछि युवक एपरि वीडियो तैयारी करी पुलिस स्कैनर को आसीछंती सबडे एबे कटक रे ए युवतीक वीडियो वायरल हेबा परे हईचे सृष्टि करिछे तबे से धरिथिबा बंधुकटी असली ना नकली ताहा एजाए स्पष्ट होइनाही गतकाली मध्य कटक रे अनेक गैंग रा वीडियो वायरल होइतला सबड़े अमानिया बाघ ग्रुप रो वीडियो मध्य वायरल हेबार लागिछे तो
पुओंक परे एबे झियंक कारसादी मध्य सामनाकु आसीछि। केबीएन ग्रुप रो केमभली भाबे आतंक चलाइछंती सेने भुवनेश्वर विभिन्न घटना सामनाकु आसीथिबा बेले विभिन्न चित्र सामनाकु आसीथिबा बेले कटक रे मध्य किछि युवपीढ़ी एइभली घटना रे मातिथिबार सूचना आसीछि। एवं आजि जेउ चित्र आसी पहुँचिछि जे केवल पुओ नुहंती झियो मध्य एथिरे सक्रिय एवं जणे झियो केमभली भाबे हाथ रे मारणास्त्र धरी एइभली भिडियो तयारी करुछंती ताहार चित्र सामनाकु आसीछि। से निजे निज इंस्टाग्राम याकु नहीं पोस्ट करिछंती तबे हाथ रे धरिथिबा बंधुकटी असली ना नकली एपर्यंत क्लियर चित्र सामनाकु आसी ना स्पष्ट चित्र सामनाकु आसी ना तेणु लोकों भितर एबे भालेनी पड़ी जे युवपीढ़ी एबे केउ पथरे जाउछंती एबे एभली मारणास्त्र धरी सर्वसम्मुख को आसीबा जे केते विपदपूर्ण होई पारे ताको अनुमान लगेबा काठिकर सबडे पुलिस मध्य तत्परता प्रकाश करिछि। केबीएन ग्रुप रो जनपरे जनक धरा जाउथबा बळे कटकर मध्य किछि युवगोष्ठी हार शिकार होइछंती एभली घटना रे मातिछंती लोकों को भयभीत करेबा मारणास्त्र धरीबा अपशब्द प्रयोग करेबा एभली घटना सामना को आसुछि गोटिए परे गोटिए जहाकु नै लोकों मध्ये मध्य क्षोभ सृष्टि होइछि। कटकर जने झियो निज इंस्टाग्राम रे एभली भिडियो पोस्ट करिबा परे पुओंक पछरे झियो मध्य एथिरे सामिल थिबा सूचना आसी पहुँचुछि। हाथ रे धरिथिबा मारणास्त्र बा बंधुकटी असली ना नकली ताकु नै मध्य एबे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि एवं पुलिस तदंत आरंभ कलानी ना नहीं। जो मैंने यही मारणास्त्र धरी इंस्टाग्राम निज फोटो पोस्ट करुछंती निज रील भिडियो करुछंती इंस्टाग्राम से पाखे पुलिस पहुँचापी एपर्यंत कौन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करछि से ने मध्य कौनसी सूचना स्पष्ट सूचना एपर्यंत कटक पुलिस तरफ सामना को आसी ना किंतु कमिशन पुलिस जहाँ सूचना आसी पहुँचुची जे घटना को बेस गुरुतर सहित नहीं कि भाव जो मैंने भी यही कार्य करुँचि वीडियो करिछंती एवं फेसबुक हो सोशल मीडिया रा विभिन्न प्लेटफॉर्म हो इंस्टाग्राम हो जो थे पोस्ट करिछंती सेमानक विरुद्ध कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो एवं जो माने एभली असामाजिक कार्य लिप्त अछंती लोकंक भयभीत कराउछंती सेमानक विरुद्ध पुलिस आईनगत कार्यानुष्ठान नेबो बोली जा सूचना आसी पहुँची बा जानिबा को मिलिछ। तुमसे मोहब्बत करके आकाश पाठक को ईडी जेरा कोर्ट का अनुमति पर हेबो जेरा झारपड़ा जेल जीव ईडी तीन जनिया टीम मनी ट्रेलर हेबो पचरा उचरा जेल रे पहुंचला ईडी टीम जा सूचना आसी पहुँचुची। तीन जनिया सदस्य थिबा एक टीम झारपड़ा जेल रे पहुँचुचे। आकाश पाठक को जेरा करिवो ई तीन जनिया ईडी टीम टाटा ना रे फेक निजुक्ति नहीं ठके मामला रे जेरा करिवो ईडी झारपड़ा जेल रे आकाश पाठक को जेरा करिवो बोली सूचना आसी पहुँचुची। एने कोर्ट देइछंती अनुमति बेआईन अर्थ कारबार नहीं पचराउचरा कर ईडी एवं जहाँ सूचना आसी पहुँचुची जे तीन जनिया ईडी ग्रुप वर्तमान टीम वर्तमान पहुँची सारी झारपड़ा जेल रे मनी ट्रेल रो पचराउचरा जेल रे पहुँची ईडी टीम जहाँ सूचना आसी वर्तमान समय पहुँचुची। तीन जनिया सदस्य थिबा एक टीम झारपड़ा पहुँची कोर्ट का अनुमति पर जेल रे झारपड़ा जेल रे तीन जनिया टीम पचराउचरा करेंगे कोर्ट अनुमति दे सारी एवं झारपड़ा जेल रे मध्य तीन जनिया टीम पहुंची थी नहीं सूचना आसी पहुंचुची। आकाश पाठक को आउ किसी समय पर जेरा कर मनी ट्रेल मामलें तांकु जेरा कर ईडी एवं जो भाई भाव आकाश पाठक टाटा रे निजुक्ति ना रे फेक निजुक्ति ना रे कोटी कोटी टंका ठकई करिछंती लोकों सहित पिलांक भाग्य भविष्य सहित खेली तेणु ईडी ए मामला को निज हाथ को नहीं ईडी तीन जनिया टीम झारपड़ा जेल में पहुंची बेले आउ किसी समय पर आकाश पाठक को जेरा कर। संतोष जेना आम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना पे सीधा सलख नहीं चलु संतोष कौन अपडेट आसी पहुंचुची वर्तमान देखु निश्चित भाव अपूर्व वर्तमान ईडी तीन जनिया टीम वर्तमान झारपड़ा जेल में पड़ते कहीं जानते आप पूर्व आकाश पाठक को लेकिन टाटा कंपानी सहित गोटे जो कनफ्लिक्ट या कहुला टाटा कंपानी फेक चाकरी टाटा कंपानी चाकरी कराइवा ना पखापाखि 68 जन को कोटी कोटी टंका ठकी नहीं क्राइमब्रांच एक मामला रुजु होता पूर्व अभय पाठक एवं विधायक प्रदीप पाणिग्राही सहित अकाउंट में विपुल परिमाण टंका कारबार हवा नहीं
क्राइमब्रांच मामला रुजु होता है यू ही आरंभ होता आकाश पाठक लिंक और सहित टंका कारबार और अनेक लोक ठकी अभोग आसी अर्थात प्रवर्तन निर्देशालय प्रवर्तन निर्देशालय पक्ष कोर्ट आवेदन कर आकाश पाठक को तदंत करोर्ट को अनुमति पर ईडी तीन जनिया टीम पहुंचती बर्तमान तदंत आरंभ हो पचराउचरा कर सब बड़ कथ हो जो विपुल परिमाण में टंका ठाब होता सेगुड़ी क्याठू के आनी कि भाव से टके करुते टाटा कंपानी पक्ष पूरा स्पष्ट भाव में कहला से टाटा कंपानी कौन एम्प्लॉय नुहंती किंतु सी टाटा कंपानी चाकरी करता कहते हैं ट्रावेल्स टू आरंभ करके अनेक जगार जो लक्ष लक्ष टंका बाकी आनी लक्ष लक्ष टंका बाकी पकईंट से जगार टाटा कंपानी आई कार्ड देते टाटा कंपानी सहित मेल आई डी और टाटा कंपानी सहित विभिन्न प्रकार एग्रीमेंट जेहेतु टाटा कंपानी गोटे बड़ अधिकारी से निजक कहते तो भरसा पाखापाखि 68 जन लिस्टेड गोटे ठकामीर गोटे अभियोग पत्र क्राइमब्रांच पाखे रुजु होता है जो कोटि कोटि टंकार हेरफेर कथा आसूँ विधायक प्रदीप पाणिग्राही और बापा अभय पाठक आकाउंट को कोटि कोटि टंकार ट्रांजाक्शन लक्ष लक्ष टंकार बैंक ट्रांजाक्शन कथ कहला सेगुड़िक प्रकृत में कौटू आसला केमती आसला ये कथ को बर्तमान ईडी पचराउचरा कर बेआईन टंका संपर्क में पचार खबर बाटा जो खबर संग्रह कर आकाश पाठक जो से टंका से आणले क्यों किभली मात्रा से ठकाउते आज ही कोर्टे अनुमति मिली ईडी जेरा करने नहीं कि बर्तमान आम कहीपर जे झारपरा जेल तीन जनीया ईडी टीम पहुंचती गोटे स्पेशल सेल पचराउचरा कर अभय पाठक और विधायक प्रदीप पाणिग्राही आकाउंट को ट्रांजाक्शन होता टंकार हिसाब और सी केमती कौन टंका आणुते आय के व्यय के टा के क्या ठकी के लोक चाकर देवा कथ कही चूना लगे ये संपर्क में तथ्य संग्रह अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जेना प्रतिनिधि झारपड़ा जेल सम्मुख सीधासलख चित्र देते ईडी तीन जनीया टीम बर्तमान पहुंची सारी झारपड़ा जेल रे आकाश पाठक को तीन जनीया टीम मनी ट्रेल नहीं जेरा कर कोर्ट को अनुमति पर जेल जेल रे पहुंची ईडी तीन जनीया टीम फिल्म रे भी प्रताप धीरे धीरे खोलुची कुबेर ऑफिसर प्रताप सामलंक गुमर ओलीवुड रे लागिची प्रताप को कला टंका फिल्म प्रयोजक साजिथिले कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल पत्नी को नारे भी प्रताप तैयारी करिसेंती ओडिया फिल्म ओलीवुड रे लागिची कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल को कला टंका एने खबर आसी पहुंचुची जे फिल्म प्रयोजक साजिथिले कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल पत्नी को नारे तैयारी करिसेंती ओडिया फिल्म एने तथ्य सामना को आसीबा परे धीरे धीरे कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल को गुमर खुलुची निज चाकरी जीवन भितरे हजारे गुण अधिक आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल कर अभियोग रही प्रताप सामल नाँ गिरफ्त कराई तेरे धीरे धीरे प्रताप का विभिन्न गुमर सामना को आसूँ गुमर खुलुची प्रताप धीरे धीरे अनेक गुमर ओलीवुड रे प्रताप कला टंका लगी चित्र आसी पहुँचुची एवं जो चित्र आसी पहुँचुची तापर पुलिस आखि खुशी हो जाता जितेबाला प्रताप सामल घरे चढ़ाऊ करा किभली भावे एते टंका रोजगार करते प्रताप सामल कला टंकार कुबेर होती प्रताप एवं एने तदंत करने प्रताप को गिरफ्त कर 14 कोटी अधिक टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति ठाब कर विजिलेंस किंतु जहाँ असमर्थित सूत्र चर्चा करी टंकार संपत्ति जबत कर संपत्ति प्रताप सामल दि जाऊ तथ्य ठू आधिक अटे अर्थात जी सरकारी अनुसार आकलन कराठू 4-5 गुण अधिक टंकार मालिक होती प्रताप कला टंका के ठूल करते बड़ प्रश्न सामना को आसूँ बर्तमान समय जो चित्र आसूँ जे धीरे धीरे कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल गुमर खोलुच्च ओलीवुड कला टंका लगी आसू चित्र रोशन रथ अच्छा प्रतिनिधि फोनलाइन अधिक सूचना पर रोशन समय जी बढ़ुची से कुबेर अर्थात कला टंका साम्राज्य करिथिबा कुबेर ऑफिसर प्रताप सामल को गुमर से खोलिबार लागुची ओलीवुड रे मध्य टंका विनियोग होईची प्रताप कर ए चित्र मध्य सामना को आसुची
देखंतु निश्चित भाबरे जो चित्र सामना को आछि धीरे धीरे जो कुबेर ऑफिसर जांकू गतकाली गिरफ करथला विजिलेंस तांकर गोटे परे गोटे किबळी भाबरे से टका इन्वेस्टमेंट करथले केउ केउ जागा रे तार चित्र सामना को आछि एवं तांको घर पाका पाकी 14 कोटी रु अधिक टका विजिलेंस जबत करथला पूरा प्रॉपर्टी जदि आपण देखिबे ताहा तांकर आय टू पाका पाकी 1021 गुणा अधिक जहाँ विजिलेंस पक्षरु कहुला सब बड़ रेड एटा एवं टंका ब्लैक मनी क्यों ऑफिसर को पाखरु विजिलेंस इतिहास बोध हुए मिली नाला एवं आज जो चित्र सामना को आसुची जे जड़े सरकारी बाबू है कि रंगीन दिशा अर्थात से फिल्म रे प्रयोजना करुले विभिन्न टंका जो ब्लैक मनी से कमाउले फिल्म रे इन्वेस्टमेंट करुले दुईट फिल्म जो चित्र बर्तमान सामना को आसुची ओडिया फिल्म गोटे हूँ बाजी जो थे पत्नी सस्मिता सामल सी प्रयोजिका एवं आउ गोटे फिल्म हूँ नारी आखिरे निया जो फिल्म रे से निजे प्रताप कुमार सामल से निजे प्रयोजक थे तेणु ये दुईट फिल्म रे से टंका इन्वेस्टमेंट कर ब्लैक मनी बोली आज जहाँ सूचना मिलू हूं तो आउ किसी फिल्म थी पारे से चित्र बर्तमान सामना को आसनी कितु प्राथमिक स्तर से यही दुईट फिल्म सामना को आज थे प्रताप सामल टंका इन्वेस्टमेंट कर प्रताप को घर पाखापाखी 38 लक्ष टंकार क्याश मिलता जहां समस्त आखि ठोर किभरे बिड़ा बिड़ा टंका घर जबत होता पत्नी नाँ से एकाधिक फ्लाट रही तेणु जिते पत्नी कौन सी इनकम सोर्स नहीं स्थिति में किपर भाव से ये टंकार मालिक हेले प्रपर्टी मालिक हेले खोलता आरंभ करता विजिलेंस हूं तो रिमांड रे आनी अधिक पचरा उचरा करें कितु किभ सरकारी ऑफिसर इत्ते टंकार मालिक हेले एवं इत्ते प्रॉपर्टी रो मालिक हेबा परे किबळी फिल्म रे तांकर लिंक रहूची सरकारी सरकारी कलरू से ब्लैक मनी इनकम करिबा परे ताकू किबळी भाबरे से फिल्म रे इन्वेस्ट करचती तार चित्र वर्तमान सामना को आसी अर्थात हॉलीवुड रे मध्य कला टंका लागिछि एवं आउ केउ केउ सेक्टर रे प्रताप निज टंका लगाई छेंती सेथि नै मध्य जोरदार खोलतार त करथुबो ना पुलिस निश्चित भाव में देखो तांको नाँ रे एकाधिक फ्लाट घर थिबा वर्तमान सामना को आसी तथ्य एवं केवल भुवनेश्वर नुहे भद्रक एवं अन्य विभिन्न जगार बिल्डिंग रही घर रही प्रॉपर्टी रही तेणु से सब वर्तमान विजिलेंस तनाघना स्कैनर रही खास कर हॉलीवुड रे कला टंका विनियोग टंका लागितबार खबर आसवा पर विजिलेंस तत्पर हो आउ क्यों क्यों प्रताप सामल निज कला टंका को नहीं विनियोग करापर मध्य नजर रखी बहुत बहुत धन्यवाद रोशन रथम प्रतिनिधि एने पूरा अपडेट देते कांग्रेस प्रेस मीट कर सीधासल नहीं चलु ये दुई वर्ष धरी करोनार जो कराल रूप ता भितर जीविका और जीवन भितर जो मैंने संघर्ष करपाई निश्चित भाव गोटे ओली आम छाड़ू कारण से बचार राहा कांग्रेस दल देखापी चाहे और से बचापी चाहे तेणु ये जो आंदोलन बंद आम करने को जाऊ ए बंद कारण कौन कौत बंद होड़शार जनसाधारण को आम से अपील करुचु कौन पाई ये बंद आवश्यकता आपण मैंने जानते बीजेडी दल रे बहुल भाव नेता मंत्री मानकर जो कला कारनामा से कारनामा राज्य रे प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रे बहुल भाव मंडित करुछ से महांगा डबल मर्डर केस हो एसीएफ सौम्यरंजन का केस हो आपणकर बांकी डबल मर्डर केस हो ममिता मेहर हत्याकांड कांड हो एपरी बहु हत्याकांड रे शासक दल गुमर पदा को आसला तेणु एभली भाव नारी हत्या एभली भाव जघन्य हत्या एभली भाव ओडिशार अस्मिता प्रति कुठारघात सरकार करुची सेतिपाई आमे आमर एग्जीक्यूटिव बॉडी रे एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव बॉडी रे निष्पत्ति नहीं जे आमे ओडिशार स्वाभिमान पाई नारी मानंकर स्वाभिमान पाई आमको निश्चित भाव रे
ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେବୁ। ମମିତାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବିଚାର କରୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ମୃତ୍ୟୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆର ଆବେଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଦୟାଭାବ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏ ସରକାରର ଶକ୍ତ କୁଠାରଘାତ ସଦୃଶ ମାଡ଼ ତା ବାସ୍ତବିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମର୍ମାହତ। ଏବଂ ମମିତାର ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ଲେଲିହାନ କାହାଣୀ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବେଗର କାହାଣୀ ହଉ, ମମିତା ଆମର ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଏ ମାଟିର ସାହସୀ ଝିଅ, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ମମିତା ଆଜି ନାରୀମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହଉ ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁ। ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ଅବକ୍ଷୟ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମମିତାକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ସଲାମ କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଆଉ ସନ୍ସାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ ଯେଉଁ କେଲେଙ୍କାରୀ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏକାକୀ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା, ତାର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲା ଏବଂ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମମିତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ମମିତାର କାହାଣୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉ, ସେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ଶଙ୍ଖଖୋଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9-10 ଜଣ ଛୋଟ ପିଲା ଅପହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଇଟା ତା'ର ସେଇ ଉକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧୃତ କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ପତଙ୍ଗ ସଦୃଶ କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ଷମତାର ଲୋଭରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରବଳ ଅପରାଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପେକ୍ଟାକ୍ଟର, ଗୋଟେ ନିର୍ବାହକ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଦୃଶ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମୋତେ କେବଳ ରାଜଗାଦୀ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ଅଫିସରମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କୁଠାରଘାତ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି ରଖିଥିଲା ଯେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଚାକିରି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଚୋର ମନ ଚୋର ଗଣ୍ଠିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ କାହା ଘରକୁ ତା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଡକେଇ ତାକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ଯାହାର ଝିଅ ଚାଲିଯାଇଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛି,
ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛି ତାର ବାପାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜରିଆରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ରୋଗୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସଦାବେଳେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଆବେଗର ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତାର ବନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀର ନାରୀ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ, ସେ ପୂଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ ପୂଜ୍ୟ ତାକୁ ଯେ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ମାଆର ପୁଅ, ଆମ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ଆମ ଝିଅର ବାପ, ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଗର୍ବ କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ହଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏଠି ନାହିଁ ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ ଇଏ କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଦ ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କୌଣସି ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଦମକଳ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ଖରାପ ହେଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଦ ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟକୁ, ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ, ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଭଉଣୀକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭଉଣୀକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ମାଆକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେଲ୍ ମେମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ମମିତା ଆମର ଝିଅ, ଆମ ମାଟିର ଝିଅ, ଆମ ପରିବାର ଝିଅ, ତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଦକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଉଛି ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦରେ ଏସେନ୍ସିଆଲକୁ ସାମ୍ନା କୋହଳ କରାଯିବ, ଯଥା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନକୁ କୋହଳ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଥାଏ ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୋହଳ କରାଯିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଏହି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଏନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ଥାନାକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂତନ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଥିବା କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଆଜି ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ମହିଳା ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆପ୍ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜେ କିପରି ଭୋଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସହ ନୂତନ ଭାବେ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗ, ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଅଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଆମେ ଯଦି ଭୋଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଭୋଟର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଆମର ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ନିଜେ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଠାରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ଆମେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାହା ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ସେଠାରେ ଆମର ଭୋଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଭୋଟର ହେବା ଦେଶ ଗଢ଼ିବା,
ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସବୁ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1/1/2022 ସୁଦ୍ଧା 18 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ନିଜକୁ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସେ ଭୋଟର୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ସ ଆପ୍ ସେ ଭୋଟର୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ସ ଆପ୍ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଯାହା ମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରୁଥିଲେ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ସମସ୍ତ ରହିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କେଉଁଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।